हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी यूट्यूब। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, एक्चुअली बहुत हैक्टिक रूटीन था यार, बाबू भी था तो वहाँ पे समझ नहीं आता क्या रिकॉर्ड करें क्या छोड़ें क्या करें। तो मैंने सोचा हटाओ, मैं जैसे ही मुझे कुछ अच्छा सा मिलता है मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। तो ये था हमारा सावन सोमवार का तीसरा सोमवार। जैसे कि मैंने आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के सोच ही लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो ये आप लोग अगर गोंडा के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध बहुत जाना माना मंदिर है, वहाँ हमको जाना था। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं हमारा घर का मंदिर है, यहाँ पर हम लोग रोज़ पूजा करते हैं। तो हम भाभी ने इसको बहुत अच्छे से सजाया था, बहुत साफ किया था, तो मैंने इसका छोटा सा एक क्लिप डाल दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करिएगा आप लोगों को मेरे घर का मंदिर कैसा लगा। ये हम लोगों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत ही अच्छा पर्दा मिल गया था। ये देखिए बाहर का मंदिर है, शिवलिंग है जहाँ पे हम रोज़ सुबह जल चढ़ाते हैं पूजा करते हैं। ये मम्मी ने बहुत पहले मंदिर बनाया था, तो भाभी ने इसको भी थोड़ा सा फूल उल से सजा दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फूल वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने बस थोड़ा मोड़ा सजा दिया था। ये बहुत सारे पेड़ हैं जो लगे हुए हैं इधर, मम्मी इनको भैया बहुत देखभाल करती हैं, दवा डालना पानी डालना, पेड़ तो बहुत जरूरी। इसमें सब सारे जो पौधे हैं ये सारे पूजा वाले ही हैं, तुलसी है, तुलसी माता है, तुलसी माता भी ये देखिए इनको चुनरी उड़ाते हैं जब इनके तुलसी विवाह के टाइम पे, पर अभी नहीं उड़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमको जाना था वही मंदिर पे जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रही थी। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, नियर अबाउट 799 समथिंग कुछ का था, बट हाँ बहुत ही प्यारी साड़ी थी। और ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हैं ये मेरी दूसरी साड़ी का है, मैंने पहना हुआ था, कैरी किया था। चूड़ी भी मेरी ऑनलाइन ही है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके आप लोगों की ये साड़ी कैसी लगी। जॉर्जेट में है, बहुत ही अच्छी है, आप बहुत ईजिली पहन सकते हैं। मैंने खुद पहनी जो कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही थी तो मैंने इसको मंगा लिया था। मैंने इसी के लिए ही मंगाया था कि मैं सावन सोमवार में पहनूंगी इसको। यहाँ पर आ गई थी भाभी तो मैंने उनके साथ भी एक छोटा सा वीडियो डाल दिया था। भाभी भी शायद ये ऑनलाइन ही साड़ी मंगाई थी, उन्होंने जो ब्लाउज पहन रखा वो भी उन्होंने ऑनलाइन ही मंगाया था। उनकी भी साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम दोनों देवरानी जेठानी निकलने वाले थे मंदिर, क्योंकि हम दोनों ही व्रत रहते हैं तो हम दोनों ही साथ में जाते हैं जल चढ़ाने। घर में मंदिर है लेकिन फिर भी हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम बाहर निकलने वाले थे तो मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। हमारे घर में बाहर अलाउ नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपने रूम से बाहर निकलते हैं हमें ऑटो मिल जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं भव्य मंदिर बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख के सोच सकते हैं इतना अच्छा सजा हुआ था ये। मैं इसका बहुत सारा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, देख सकते हैं गाड़ी जा रही थी। यहाँ पर हम जा रहे थे अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम 6 बजे जा रहे हैं तब इतनी भीड़ है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे था, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम गए, इससे ज़्यादा भी मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत लोग इससे ज़्यादा दिक्कत में जाते हैं पूजा पाठ करके आते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसे कि हम देख सकते हैं कहीं इधर कहीं उधर मैंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भगवान के मंदिर थे, मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग करी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर फूलों से सब कुछ सजा हुआ था। यहाँ पे फूल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, कमल का फूल मैंने लिया था चढ़ाने के लिए। कहते हैं सोमवार को भगवान को कमल का फूल चढ़ाने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर मंदिर में हमको जाने को नहीं मिला था, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह इसका वीडियो क्लिप ले लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप लोग गोंडा के हैं या आप लोग कहीं के भी हैं, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, ये गोंडा का दुखहरण नाथ मंदिर है, दुखहरण बोलते हैं। लेकिन हमारे गोंडा के लोगों का क्या है कि वो जल्दी जल्दी दुखहरण नाथ बोलते रहते हैं। आई एम सॉरी, भगवान के नाम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट लोग बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मंदिर थे मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि जो इसका असल नाम है मंदिर का वो है दुखहरण नाथ। यहाँ पे भगवान दुख हर लेते हैं आप जब भी जाते हैं। मेरा पर्सनली मैंने जो भी भगवान से मन्नत की दुआ की वो मेरी कबूल हुई है, उन्होंने मेरा स्वीकार किया है, बहुत ही मान्यता है यहाँ का। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने जो डोरी पन्नी बांध रखी है इसमें आप कुछ मान्यता मानना हो तो आप इसमें मन्नत मांग के बांध सकते हैं। ये बाहर का मंदिर का था तो मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली है, किसी तरह से रिकॉर्डिंग हो पाई है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, कुछ भी पॉसिबल नहीं था, बट हाँ अब करना था। यहाँ पे आप दिए भी जला सकते हैं, हमने भी दिए जलाए, भाभी दिए जला रही थी। यहाँ पे क्या है कि आप एक दो दिए जो भी जलाने, आप घर से दिया लेके आइए, बत्ती लेके आइए और आप यहाँ पे जलाइए। यहाँ पे ये लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली थी,
पे बहुत अंधेरा भी था, बहुत अंदर अंदर मंदिर थे बहुत सारे, तो रिकॉर्डिंग मैं कर ही नहीं पाई, इसीलिए बहुत छोटा छोटा मैंने रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि पर्सनली मैं जब गई तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे थे, सनी देव के थे, बजरंग बली के थे, शंकर जी के थे, विष्णु जी के थे, हर किसी की मंदिर थी, काली जी थी, ऐसा नहीं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हम, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ गया था जो हमें यहाँ पर चंदन लगा रहा था, तो उसने बोला आप लगवा लीजिए, तो मैंने लगवाया, फिर उसने भाभी के भी लगाया, ज़बरदस्ती लगा रहा था, फिर उसके बाद उसने पैसे मांगने लगे, तो मैं वही बोल रही थी कि तुमने लगा भी नहीं, अब तुम पैसे भी मांग रहे हो। तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गई तो ठीक ही था। आप अगर बताते रहते हैं पास में कोई मंदिर है तो आपको जाना चाहिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपके घर में मंदिर है बट आप थोड़ा सा दूर जाके घर में भी पूजा करिए, ऐसा नहीं है तो जाना चाहिए। यहाँ पे फिर हम आ गए थे चुगू के लिए, कुछ लेना था सामान, तो वहाँ पे मास्क खरीद रहे थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन भाभी ने उसके लिए एक मास्क पसंद किया, बोला नहीं एक खरीद लेते हैं, देखेगा तो खेलेगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है खरीद लो। तो वहीं फिर हम लोग यहाँ पे, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं देख रही थी कि मेरा चंदन सही लगा है कि नहीं लगा है, और हम ऑटो का वेट भी कर रहे थे, ऑटो से ही हमको जाना था, गाड़ी यहाँ लाना पॉसिबल था नहीं, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी लाने का मतलब फंस जाना। यहाँ पे हम ऑटो में बैठ गए थे और हम घर के लिए निकल चुके थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, भगवान सबकी दुआ कबूल करें, जो जिसको जो चाहिए उसकी मन्नत पूरी हो। और अभी मेरा 2 सोमवार और बचा हुआ है, 3 सोमवार मैं गई हूँ शंकर जी के दर्शन करके आई, जल चढ़ा के अच्छे से आई हूँ। फिर यहाँ पे हम घर के लिए निकल लिए थे, हम भाभी से कुछ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, वही मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी जोड़ी कैसी लगती है, देवरानी जेठानी की, हमारा वीडियो कैसा लगता है। यहाँ पे हम आ गए थे वापस घर के मंदिर में, मैंने पूजा नहीं किया था, भाभी पूजा करके गई थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी, पूजा करने लगी थी, तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची है वो मेरा क्लिप रिकॉर्डिंग करने लगी थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं रिकॉर्डिंग करवा रही थी, यहाँ पे फिर पूजा कर रहे थे तो उसने रिकॉर्डिंग कर लिया, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ये भी क्लिप डाल देती हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर था सब कुछ। यहाँ पे पता है मैं एक जगह और गई थी, वहाँ पे यहाँ पे शंकर विवाह बारात निकल रही थी, बहुत ही प्यारा था, शिव जी की देख सकते हैं कितनी भव्य बारात निकलने वाली थी, तो मैंने उसकी भी नंदी है, ये नंदी मैया है, बहुत सारा बहुत कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने रिकॉर्डिंग कहा। हाँ ये जो मैंने लास्ट में क्लिप डाली है ये मैं आप लोगों को बताने के लिए डाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या एक फातिमा स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल है जो गोंडा के होंगे उनको पता, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले तेंदुआ घुसाया था, बहुत ही यार बहुत ही डेंजरस था, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में घुसाया था, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको हटा दिया और स्कूल बंद कर रखा था। तो फिर जब वन विभाग वाले आए तो उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने उसको पकड़ा, और तो मैंने ये इसलिए क्लिप डाला है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए, कुछ भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो रिस्क मत लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हमको तुरंत कॉल करना चाहिए तो आप तुरंत कॉल करिए, वो तुरंत आके आप देख सकते हैं गोंडा जैसे सिटी में इतनी अवेयरनेस है कि उन्होंने वो तुरंत आए, उन्होंने उसको पकड़ा और वो लेके गए। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और आप लोगों को मेरा क्लिप कैसे लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिए, ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ आई एम वे, एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें उसका इंतज़ार रहता है, आप लोग कुछ कमेंट करिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी लगती है, अगर आप लोगों को कुछ मुझे एडवाइस देना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मैं वेट करती रहती हूँ, और बहुत यार मेहनत लगती है और मैं क्या ही बोलूँ, और बस यही लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और अगर कुछ आपको एडवाइस देना हो तो प्लीज़ कमेंट में एडवाइस दीजिए कि आप ऐसे वीडियो बनाइए, आपका वीडियो क्लियर नहीं रहता है, आपके वीडियो में मटेरियल नहीं रहता है, जो भी आप लोगों को लगता हो। और अगर जो जो मुझे लाइव देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो को मुझे लाइव आते हुए देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको कल दूसरा ब्लॉग मिलेगा मेरा, ये छोटा ब्लॉग था लेकिन मैंने डाल दिया था, तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, बाकी आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। चलिए तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोग देखते रहिएगा, देखिए इस तेंदुए को कैसे पकड़ा जा रहा है, बहुत ही भारी होते हैं यार, बहुत ही मेहनत लगती है इनको पकड़ने में। तो ओके बाय, थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब।